भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी देर रात से पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं ताकि वे प्रभु श्री राम के बाल रूप का दर्शन और पूजन कर सकें। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला किया है। ट्रस्ट की ओर से समय में बदलाव किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन और पूजन का मौका मिल सके। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कई जानकारियां दी हैं। 6:30 बजे श्रृंगार आरती होने के बाद में पट खुल जाएगा और भक्तों के दर्शन होते रहेंगे। इतनी भीड़ है कि जिसके कारण से यह नियम बनाया गया है कि जिससे भक्तों को दर्शन होने में सुविधा हो, इसलिए सारे नियम बनाए हैं और सबको सार्वजनिक किया गया है कि इतने इतने समय पर आएं और भगवान रामलला का दर्शन करें। 4 बजे सवेरे मंगला आरती, उसके बाद 6:30 बजे श्रृंगार आरती, और 6:30 बजे श्रृंगार आरती होने के बाद में पट खुल जाएगा और भक्तों के दर्शन होते रहेंगे। फिर 12 बजे क्या है, भोग आरती होने के बाद में फिर मंदिर खुल जाएंगे। फिर उसके बाद में संध्या के भी इसी प्रकार से आरतियां, संध्या आरती और शयन आरती हैं। तो संध्या आरती 6:30 बजे है और शयन आरती जो है जब भोग लग जाएगा 9 बजे, उसके बाद में शयन आरती हो जाएगी। इस प्रकार की भगवान रामलला की सारी आरतियां हैं जो समय समय में कभी कभी कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि इतनी भीड़ है कि जिसके कारण से यह नियम बनाया गया है कि जिससे भक्तों को दर्शन होने में सुविधा हो, किसी प्रकार के कोई भी भक्त ऐसे न हो जो बिना दर्शन के वंचित रहें, इसलिए सारे नियम बनाए हैं और सबको सार्वजनिक किया गया है कि इतने इतने समय पर आएं और भगवान रामलला का दर्शन करें और दर्शन का लाभ उठाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी सतर्कता बरती हुई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट के हिसाब से, और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का आया क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है, तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ है। ठंड है और ठंड को लेकर के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। हम लोगों ने अपनी तरफ से फिर भी एक आग्रह किया था कि बूढ़े लोग हैं, हमारी माताएं हैं जो अशक्त हैं, ये थोड़ी ठंड के बाद आए, तो उसके क्रम में लोगों, आप लोगों के माध्यम से भी अपील करा रहे हैं क्योंकि इस भीषण ठंड को देखते हुए एक आध हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है।